That's taken the outside edge. Billy isn't interested. हेलो एमएसडी फैंस, मैं शांतनु और आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक टॉप क्लास एमएस धोनी वीडियो। जिस इंसिडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे वो है तो काफ़ी पुराना इंसिडेंट, 17 साल पुराना इंसिडेंट। तो बात है 2005 की और पांचवा ही मैच खेल रहे थे अपने करियर का एमएस धोनी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, बैटिंग मिली करने को नंबर 3 पे और दुनिया ने पहली बार देखा कि धोनी आखिर चीज़ क्या है। चौकों और छक्कों से सजी इस पारी में बनाए 148 रन और जड़ दी अपने करियर की पहली सेंचुरी। There goes Dhoni with a single to complete his maiden 100. With this, he becomes the second Indian wicketkeeper to score a century. And guess what? The first one is right there by his side to cheer him. और फिर जब इंडिया की फील्डिंग आई और एमएस धोनी विकेट कीपिंग करने उतरे तो कुछ ऐसा हुआ जो अगर हम आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि एमएस धोनी ने अपने करियर की शुरुआत से ही किस डिग्निटी के साथ ये गेम खेला। एंड इट सीम्स लाइक अंपायर्स भी शुरुआत से ही उनकी ऑनेस्टी को पूरी तरह से ट्रस्ट करते थे। Let's take on the outside edge. Billy isn't interested. Now he's walking towards umpire Jayaprakash. Well, the Indians are confident. They know there is an edge there. Now, what is he going to ask him? Did he take it cleanly? और इसके बाद जो हुआ, वो एक कमाल का मूवमेंट, क्योंकि अगर बिली बाउडन चाहते तो थर्ड अंपायर के पास जा सकते थे और रिप्ले से कंफर्म हो जाता कि ये बॉल धोनी तक कैरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने धोनी से ही जाके पूछ लिया कि ये कैच फेयरली पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। और जैसे ही धोनी ने बोला दैट ही हैज टेकन द कैच, बिली बाउडन ने अपनी उंगली ऐसे कर दी। धोनी इज कॉन्फिडेंट। वेल, बिली अ लिटिल कंफ्यूज्ड। ही इज गोइंग टू आस्क द कीपर व्हेदर ही टुक द कैच। Is he? Yes, Dhoni says, I have taken it. I think he's calling the keeper as well. And he's walking away. And he's given him out, I think. Yes, he's nodded his head and said, that's out. तो ये इंसिडेंट हमें बताता है कि कितनी इंटेग्रिटी के साथ एमएस धोनी ने अपना पूरा करियर निकाला। इनफैक्ट जब सीएसके ने अपना पहला आईपीएल जीता तो धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये तक बोला कि जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए आईपीएल जीतना है उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए फेयर प्ले अवार्ड जीतना भी है। बट आई थिंक द बिग अचीवमेंट फॉर अस इज यू नो विनिंग द फेयर प्ले अवार्ड एंड द ट्रॉफी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक यू हैव टू प्ले हार्ड एंड देन ओनली यू कैन विन, बट वी हैव शोड यू नो यू कैन बी सोबर, यू कैन प्ले विद इन द लिमिट्स एंड स्टिल विन द ट्रॉफी। लगता है सिर्फ फैंस नहीं, इवन द अंपायर्स बिलीव इन धोनी। इतने सालों बाद हाल कुछ ऐसा है कि बहुत बार अब जब धोनी अपील करते हैं तब अंपायर का डिसीजन होता है आउट, और जब धोनी अपील नहीं करते हैं तब अंपायर का डिसीजन होता है नॉट आउट। देयर इज अ रीजन इंडिया में डीआरएस का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम है। And then he asked the wicketkeeper himself. Have a look at this now. Is he unsighted? That's the question to be asked. Definite edge. No issue. Just about carrying into the gloves. No problems there.